कहते हैं ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, और कुछ इसी तरीके से हमारे एबी कॉस्मेटिक्स वाले भैया भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनका बिजनेस कब सही होगा। कई महीना हो गया मैंने YouTube पे लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड किया। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया, भैया वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है, भैया आपका क्या हुआ, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, भैया लॉन्ग वीडियो डालो, भैया क्या हो गया, भैया हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी। तो इसी तरीके का ना जाने कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को हकीकत बताने वाला हूँ कि मैं वीडियोस YouTube में इतने दिनों से क्यों नहीं बना रहा, और ये है गाइज उसका रीजन। ये मेरा सपनों का दुकान, ये देखो हाल, सामान पहले कितना भरा हुआ रहता था, और आज के डेट पे आप लोग अपने आंखों के सामने देख सकते हो हमारा दुकान का हालत। आपके कांची भाभी देखो ये उदास बैठी हुई है, चेहरे पे रौनक नहीं है। तो आप लोग ही बताओ मैं आपको वीडियोस बना के क्या दिखाऊं। ये मेरा बिगड़ा हुआ दुकान का हालत, ये मेरा उलझा हुआ, क्या बताऊं, जब नसीब खराब रहता है ना उस टाइम हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट भी साथ नहीं देता है। देखो लाइट भी काम नहीं कर रहा है, अभी इसको जो है ऐसे करके जलाना होता है, मतलब बुरी तरीके से फंस चुका हूँ मैं। आमदनी अठन्नी हो गया है, खर्चा तो रुपयों में हो रहा है। कुछ महीने पहले तक मेरा दुकान का ये हालत जो है ना ऐसा नहीं था, आप लोगों को पता है, आप देख सकते हो मैं कितना खुश मिजाज से ये वीडियोस वगैरह बनाया करता था, कितना बढ़िया हमारा दुकान था, और आज हमारा दुकान का ये हालत है। और दोस्तों ये मेरा जिंदगी के तजुर्बा है, जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना तो आपका नसीब आपके हर तरफ से लेता है, और इसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं और मेरा ये दुकान, और साथ ही साथ आप जो ये वीडियोस देख रहे हो YouTube चैनल पे, ये YouTube चैनल। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के शुरुआत में आपने छोटे से जो एक मिनट का क्लिप देखा है वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट का एक काम था, तो वो प्रोजेक्ट भी मैं पूरा नहीं कर पाया। और इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, हम जैसे जो छोटे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, जब हमारा समय खराब चलता है तो हमें किस दौर के अंदर गुजरना पड़ता है, हमारे साथ क्या क्या चीजें घटता है, कैसे हमें सफर करना पड़ता है, तो ये सब चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन वो काम भी मैं अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा नहीं कर पाया। एक तो थोड़ा सा फंडिंग, पैसों का बजट, ऊपर से इसमें काफी सारे क्रू मेंबर चाहिए, मतलब कुछ टीम चाहिए, एक 5-10 जने का, उसमें कुछ किरदार भी होंगे। तो एक छोटे यूट्यूबर होने के नाते, व्यूज कम आने के नाते, लोग मेरे साथ काम करने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, और मेरा बिजनेस भी उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करूं। जो लोग भी काम करने आए उनको मैं दिन का मजदूरी दे दूं, और यूट्यूब से तो अर्निंग कब का बंद हो चुका है क्योंकि मैं वीडियोस ही नहीं बनाता हूं, नहीं डालता हूं। जब समय खराब चल रहा होता है ना तो वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, किस्मत हर तरफ से लेता है, और मेरा भी ले रहा है आजकल। पता नहीं ये बिजनेस कब सही होगा, क्योंकि आजकल ये क्रीम कॉस्मेटिक्स के अलावा कुछ बिक ही नहीं रहा है, और जिसपे थोड़ा बहुत मार्जिन होता है ये सब जैसे क्लचर, नेल पेंट, ये रबर बैंड, ये सारे आइटम तो बिक ही नहीं रहा है। बिक रहे तो सिर्फ ये सारे फेयर एंड लवली के पाउचेस, ये 10 रुपए का रिटेल होता है, 9 रुपए खरीदा हुआ रहता है, 1 रुपए इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। ये 22 रुपए वाला फेयर एंड लवली का ट्यूब है, ये 20 रुपए खरीदा हुआ रहता है, 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, और इसमें भी 2 रुपए जो हमें मिलता नहीं है, कस्टमर 20 रुपए दे के चला जाता है, बोलते भैया खुला नहीं है बाद में दे दे, तो इसमें तो घाटा ही हो गया अपना। बाकी हम बात करें ये सब सामान की, गाइस ये 20 रुपए का निहार का तेल सेल करके भी 2 रुपए का धंधा होता है, यानी कि 2 रुपए मार्जिन। बात करें फेयर एंड लवली, ये जो बड़ा वाला ट्यूब अगर हम बेचते हैं तो इसमें भी देखो MRP 62 रुपीज है, और कस्टमर जो हमें 60 रुपीज ही देंगे, 60 रुपए, और खरीदा हुआ रहता है 56 रुपए, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट। तो दिन में अगर हम 2000 रुपए भी सेल करेंगे ना तो हमें कितना ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। और दोस्तों आप लोग की बताओ आज के दौर पे 200 रुपए से गुजारा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब तो छोड़ो, और भी अगर हम कोई बड़ा आइटम की बात करते हैं, जैसे कि ये क्लिनिक प्लस एक शैम्पू के डिब्बा है, हम इसको बेचेंगे 52 रुपए, 52 रुपीज MRP पे, इसमें भी 2 रुपए हमें नहीं मिलेगा, 50 रुपए का सेलिंग होगा, और ये खरीदा हुआ रहेगा हमारा 55 रुपीज, तो 5 रुपए का इसमें भी प्रॉफिट है। तो आप ही बताओ ये 5-5, 10-10 रुपए जोड़ के आदमी कितना कमा लेगा, और जो बिकना चाहिए मार्जिन वाला आइटम वो तो बिक नहीं रहा। और गाइस अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको बोलने में भी बुरा लग रहा है। आपका दुकान का साफ सफाई हो गया? हाँ साफ सफाई, दुकान साफ सफाई कर देते ना। सॉरी गाइस,
आज एक तारीख है ना अप्रैल का, सॉरी अप्रैल फुल, अप्रैल फुल कांचे। और सुनो कमेंट बॉक्स भी बंद कर देना, भर भर के गालियां पड़ेंगे। सॉरी गाइस, मेरा पागल पति है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।